बहुत सारी एडिटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जैसे अभी मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ ये भी रिकॉर्ड हो रहा होगा, और इसके बाद जितनी चीज़ें हम आगे पढ़ाएंगे वो भी रिकॉर्ड होती हैं, तो एडिशन काफ़ी कुछ रिक्वायरमेंट होता है, एडिट करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी हमारा ऐड हो जाता है। तो आपको ये ध्यान दे लो, जहाँ पे आपके एक नीडफुल है उतना कंटेंट पढ़ लो, रिमेनिंग छोड़ दो, बस यही कह सकते हैं। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसको भी और एडिट करके अपलोड कर दूंगा, या फिर नए लेक्चर और अच्छे से बना के वो भी अपलोड कर देंगे। तो चलो फिर, मेरे ख्याल से हमारा 23 हुआ है, अभी एक आध दो बच्चे और, कितने बच्चे आए हैं, 14 है, 1 से 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट कर देते हैं। कल जो पढ़ाया था वो समझ में आ गया था आप लोगों के? रिकर्शन थोड़ा सा दोबारा देखा था? यस देखो वैसे चलो, चांस की बात, एक बच्चे ने बोल भी दिया, हम तो सोचे वो भी नहीं बोलोगे, साइलेंट रहोगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, रिकर्शन थोड़ा सा टिगड़ा है, अगर ना समझ सर, में इसको पढ़ना पड़ेगा। नहीं, इसलिए मैं सारे बच्चों को फिर से बोल रहा हूँ, रिकर्जन थोड़ा सा समझने में ट्रिकी आता है, वैसे एक बार समझ जाओगे तो कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा सा मेहनत पड़ती है, अगर ना समझ में आए और बंच ऑफ बच्चे होंगे 8-10 जैसे आप लोग आते हो बताने के लिए, तो मैं उसका रिवीजन फिर से करा दूंगा, क्योंकि रिकर्जन अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आए तो उसके प्रोग्राम थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, मैंने पहले भी बोला था, उस दिन भी बोला था, रिकर्जन बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन कंपलसरी पूछा भी जाता है, दोनों में डिफरेंस है। पूछा क्या हो जाएगा, व्हाट इज रिकर्जन, होता क्या है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ज्यादातर उसके एग्जाम्पल में मैक्सिमम टाइम पे, तो मैंने देखा है आपको, मैंने कल भी बताया था, टिप ऑफ टंग का लेना है, एक तो फैक्टोरियल जो मैंने कल बताया था आपको, आगे मैं अभी फेबिना की सीरीज भी करवा दूंगा, पहले प्लेन करवाऊंगा ताकि आपको ये पता चले कि फेबिना की सीरीज होती कौन सी है, फेबिनो की, और उसके बाद क्या रिक्वेस्ट थी बेटा, अभी आपकी कोई मैसेज आया था, कहीं यहाँ दिख नहीं रहा बेटा, जितनी भी रिक्वेस्ट है सारे बच्चे यहाँ पे इन होने की बात करेंगे, लाओ मैं आपको शेयर कर देता हूँ, इंटायर मैं भी शेयर कर रहा हूँ, तो आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं, मैं सामने स्क्रीन पे बैठा हूँ, कहीं और नहीं है, तो जितने भी बच्चे इन हो रहे होते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे दिखते रहते हैं, है ना, तो जैसे ही उनका मैसेज आता है बाई डिफॉल्ट इन ही कर देते हैं, तो वो भाई कोई बच्चा आएगा तो दोबारा से आ जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो रिकर्जन की मैं बात कर रहा था, एक फेबिना की सीरीज, तो एक फैक्टोरियल है, फेबिना की सीरीज को मैं पहले कंप्लीट करवाऊंगा, फिर फैक्टोरियल भी कंप्लीट करवा दूंगा, तो चलो अब बच्चे ऐड होते रहेंगे, हम कंटिन्यू करें। कुछ कुछ पूछ रहा है कोई बच्चा कुछ? यस हाँ बोलो बेटा। सर, आपसे व्हाट्सएप पे कल एक क्वेश्चन पूछा था, आपने कहा था क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ, पहले हम थोड़ा पढ़ा लेंगे, है ना, लास्ट में 5 to 10 मिनट्स हम अलग से निकाल लेंगे, फिर अभी आपका व्हाट्सएप वाला क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है?
एक्सक्यूज हाँ बेटा बोलो। मी सर, आपने हम लोगों को दो प्रॉब्लम सेट्स दिए हुए थे सर, हाँ अभी तक उसको सबमिट करने के लिए कोई सेक्शन नहीं बनाया सर, बना दीजिए तो हम लोग उसको सबमिट कर दें। चलो ठीक है, कोशिश करूँगा आज से कल मैं उसको सेक्शन बना दूंगा, है ना। तो जी उसमें आप सर, उसी पे ना, जहाँ पे आपका असाइनमेंट होते हैं वहीं पे ही मैं उसके लिए बना दूंगा। पीएस के लिए 1, PS2 के लिए 3, 2, 3, 4 जैसे भी ऐसे होंगे मैं बना दूंगा, आप उसमें अपलोड सर वन करा और देना। टू दिए थे, 3 और 4 तो आपने दिए ही नहीं अभी। जितने दिए हैं उनके लिए हम बना देंगे, उसमें आप डाल दो। जी, ठीक, सेक्शन मैं कोशिश करूंगा सबके बना दूंगा, उसी में ही आप लोग अपलोड कर देना। और उसके लिए मैं पीएस भी जब होगा तो मैं आगे अपडेट कर दूंगा, डाल इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, अभी सर कंटिन्यू है, नहीं तो फिर हम लोग पास टाइम कम बचेगा, फिर हम क्वेरी सॉल्व नहीं करा पाएंगे। आज का टॉपिक भी थोड़ा सा ज़्यादा यूज्ड होता है, तो क्या होता है, और एक प्रोग्राम के पे मैं वाइंड अप करूँगा इसको, तो 20 मिनट से लेके 30 मिनट्स के अराउंड रहेगा। ये रीज़न है उसका, एरे एक ऐसी चीज़ है जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आगे आप सारी कोडिंग सारी प्रोग्रामिंग एरे के थ्रू ही करते हो, बहुत आराम से चलेंगे। जहाँ पे आपकी क्वेरीज लगे, जो चीज़ ना समझ में आए वो पूछ लेना, और मुझे पता है जितनी थ्योरी चलेगी वो आपके ऊपर से जाएगी, जब प्रैक्टिकल करके फिर से थ्योरी पे आएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने एरे को। एरे को मेरे ख्याल से आप लोगों ने शायद कहीं पढ़ा हो तो पढ़ा हो, नहीं तो फिर हम यहाँ पे स्पेशली रूप से दिखा देते हैं, क्योंकि एरे क्या होता है, नाम भी हमारे पास है एरे, और कुछ एरे का ऐसा भी नाम से भी रिलेवेंट आता है कि कुछ कलेक्शन की चीज बात की जा रही है। तो फिर यहाँ पे भी कुछ और नहीं है, कलेक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा आइटम्स, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा आइटम्स स्टोर्ड एट कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन। अब इस लाइन को बहुत अच्छे से टिप ऑफ टंग कर लो, अगर आपको इस लाइन को मॉडिफिकेशन करना है किसी भी तरह से करना है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हो। सिर्फ एरे है क्या, सिमिलर डेटा टाइप्स का एक कलेक्शन है जो एक सीक्वेंस में मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो रहा होता है, कंटिन्यूअस आपकी मेमोरी लोकेशन होती है, अलॉट होती चली जाती है, जिसमें ये अलॉट हो रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं एरे। अब सिमिलर टाइप्स क्या है, सिमिलर डेटा टाइप्स है, ये डेटा आइटम्स जो आप लोग देख रहे हो ना, तो अब आप चाहे यहाँ पे सिमिलर डेटा टाइप्स लिख लो या फिर सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा आइटम्स लिख लो, आप जिस तरह से भी समझना आप समझ सकते हो। एरे के अंदर एक ही फॉर्मेट के, चाहे इंटीजर कह लो या डबल कह लो या फ्लोट कह लो या स्ट्रिंग कह लो, कोई एक डेटा टाइप के एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप स्टोर कर सकते हो, या फिर एन नंबर ऑफ वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हो, और उस ढेर सारी वैल्यूज का नाम क्या होगा, कोई एक। अभी तक जो हम लोग यूज करते थे वो वेरिएबल ए लिया, ए के अंदर 5 स्टोर कर दिया, फिर वेरिएबल बी बी लिया और बी के अंदर 6 स्टोर कर दिया, कुछ इसी तरह काम करते थे। अब हमने क्या किया, ढेर सारी वैल्यूज को एक नाम के अंदर प्रोवाइड कर दोगे, अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं तो फिर हम एरे को क्रिएट कर रहे हैं, ये ध्यान में आपको ऑलवेज रखना, और आपके लिए एरे बहुत ज्यादा आगे यूजफुल होने वाला है। एरे आर ड्राइव डेटा टाइप, अब यहाँ पे इसको ड्राइव डेटा टाइप कहा गया है, ड्राइव डेटा टाइप यानी कि आप दूसरे फॉर्मेट में कौन समझ सकते हो इसको, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्योंकि आप जितना भी एरे बनाओगे आप खुद से बनाओगे एरे, तो आपको ड्राइव डेटा टाइप या फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की तरह से इसको ट्रीट करना पड़ेगा। ड्राइव डेटा टाइप से मतलब किसी चीज से ड्राइव हो, यानी कि वो इंटीजर फ्लोट डबल या कहीं होता है तो वो ड्राइव डेटा टाइप के फॉर्मेट में आता है, तो हम ड्राइव डेटा टाइप कहें, या फिर हम इसको ज्यादातर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कैन स्टोर प्रिमिटिव टाइप्स, मेरे ख्याल से हम लोग अच्छे से प्रिमिटिव टाइप्स पढ़ चुके हैं। प्रिमिटिव टाइप्स के फॉर्मेट में क्या आता है, इंट, कैर, डबल, फ्लोट, लॉन्ग, स्ट्रिंग, जितनी भी ये सारी चीजें क्या है, हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के हम लोग ऑलरेडी ढेर सारा कंटेंट पढ़ चुके थे, जिसमें इंटीजर के भी फॉर्मेट अलग थे, स्ट्रिंग के अलग कंटेंट थे, डबल के अलग थे, फ्लोटिंग पॉइंट को अलग था, अगर चार्ट याद हो तो आप लोगों को, तो वो सारा हमारा जितना भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स था
वो हमारा यहाँ पे कंसीडर होता है। और प्रिमिटिव के साथ ही साथ आपने नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ा था जिसमें हम लोग एरे को ट्रीट कराते हैं, है ना। अब ध्यान रखिए आपने एक और चीज सुन ली है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो हमारे पहले से बने बनाए हैं, प्रीवियस वाले इंटीजर फ्लोट डबल। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी कि हमारे पास एरे, और हमारे पास जब से बढ़ते जाएंगे मैं आपको नॉन प्रिमिटिव का क्वांटिटी और इंक्रीज करा दूंगा, जैसे कि स्ट्रक्चर होता है, इनियम होता है, ये सारे हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह से ट्रीट किए जाते हैं, या फिर ड्राइव डेटा टाइप या फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो आप ज्यादा बेटर वर्ड सबसे अच्छा है बीच का, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की तरह से ट्रीट किए जाते हैं। इट ऑल्सो हैज द कैपेसिटी टू स्टोर कलेक्शन ऑफ ड्राइव डेटा टाइप। क्यों इसको ड्राइव डेटा टाइप कहते हैं? क्योंकि इसके पास कैपेसिटी होती है ड्राइव डेटा टाइप को स्टोर करने की। ये यानी कि पहले से बने बनाए डेटा टाइप हैं, इनके क्लासेस बने हुए हैं, इनको आप यू स्टोर कर सकते हो, तो इसलिए इसको यहाँ पे ड्राइव डेटा टाइप बोला जा रहा होता है। सच एज पॉइंटर स्ट्रक्चर। अब पॉइंटर स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से अभी आप लोगों को पढ़ाए नहीं गए, तो आगे जाके हम पढ़ाएंगे। और पॉइंटर के लिए केस में याद हो तो हम लोगों ने एक जगह पे यूज किया था, फंक्शन जब पढ़े थे तो फंक्शन के अंदर हम लोगों ने एक एस्ट्रिक पास किया गया था वेरिएबल के लिए, और एम्परसेंट का साइन पास किया था। तो जो एम्परसेंट का साइन होता है वो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है, और जो एस्ट्रिक साइन होता है वो होता है वैल्यू ऑफ ऑपरेटर। तो पॉइंटर के केस में हम अपने वेरिएबल्स के एड्रेस को पॉइंट करा सकते हैं, उस पे वर्क किया जा सकता है, तो हमारा वो होता है पॉइंटर। तो आगे जाके हम लोग पॉइंटर को और बढ़िया से पढ़ेंगे, वहां पे बहुत शॉर्ट में समराइज करके बताया गया था। स्ट्रक्चर यानी एक ऐसा डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिसके अंदर इंटीजर फ्लोट डबल किसी भी तरह के डेटा के कलेक्शन को आप स्टोर कर सकते हो। ठीक, अब इन्होंने फिर से इस लाइन को हम रिपीट करके एक्सप्लेन करते हैं। इट ऑल्सो हैज द कैपेसिटी टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ, आपके पास इसकी कैपेसिटी है कि पॉइंटर और स्ट्रक्चर इस तरह के भी ढेर सारे डेटा टाइप्स को आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। यानी कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया ये, अगर एरे को आप ध्यान से समझोगे तो बहुत वास्ट हो जाता है एरे। ठीक है, तो एरे को इसीलिए मैंने कहा हम इसको एरे को 2 से 3 क्लासेस में पढ़ेंगे ताकि इसकी कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्योंकि अभी जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, ये मुझे तो पता है, लेकिन इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जितना प्रैक्टिकल करेंगे तब आएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन्स में क्या लिखी है, ये एरे इज द सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर। वर्ड चेंज हो रहे हैं इस एरे के लिए लेकिन कॉन्सेप्ट एक है। डेटा स्ट्रक्चर क्यों कहा जा रहा है फिर से आपको एक्सप्लेन कर दें। यहाँ पे सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो है हमने अभी भी पढ़ा था, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, क्योंकि एरे को हम सीक्वेंस में एक ही मतलब जहां पे भी मेमोरी दी जा रही है, वन बाय वन मेमोरी एलोकेट की जा रही होती है। जब भी हम इस तरह का काम करते हैं कि ढेर सारी मेमोरी सीक्वेंस में अलॉट एलोकेट की जा रही होती है, कंटिन्यूअस एलोकेट की जा रही होती है, तो हम उसको डेटा स्ट्रक्चर की तरह से ट्रीट किया जा रहा होता है। वो पूरा कॉन्सेप्ट हमारा डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्मेट में ट्रीट हो रहा होता है ना। तो इन्होंने क्या कहा है, एरे इज द सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर। यानी कि सिंपलेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेट हो रही है, रेंडमली आप मेमोरी एलोकेट नहीं कर रहे हो, इसलिए बहुत इजी बैठता है। वेयर ईच डेटा एलिमेंट कैन बी रेंडमली एक्सेस बाय यूजिंग इस इंडेक्स वैल्यू। अब एरे के अंदर आपने 2, 4, 6, 10, 20, 50, 100, 200 जितने भी रिक्वायरमेंट थी उतने एलिमेंट आपने स्टोर कर दिए। यानी कि आप कहते हैं एक ही एरे के अंदर वैल्यूज आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी आपने उसको स्टोर कर दी। अब उस वैल्यूज को अगर आपको एक्सेस करना होगा तो एरे के लिए इंडेक्सिंग प्रोवाइड की गई है। अगर हमें याद हो तो हम लोग भी कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसके अंदर फ्रंट पेज में इंडेक्सिंग ही सबसे पहले आता है, और इंडेक्सिंग बताता है किस पेज पे कौन सा कंटेंट अवेलेबल है। सी के लिए पढ़ेंगे तो फंक्शन के लिए अलग होगा, एरे के अलग होगा, इस तरह से ढेर सारे अलग अलग जो वैल्यूज हैं वो स्टोर की जा रही होती हैं। तो इंडेक्सिंग की हेल्प से हम इस एरे के अंदर जो भी कंटेंट स्टोर होता है उसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं।
ठीक है। अब इसको आप लोग 1 सेकंड के लिए पढ़ो और समझो इसमें से कोई कौन सी चीज आपको नहीं समझ में आई है, फिर हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं। सबसे अच्छी लाइन लिखी हुई है, रट लो, समझ लो, जैसे भी समझना है आपको समझ लो इसको, क्योंकि हम कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। अभी मैं आपसे बोल दूंगा कि भाई 2 नंबर के अंदर डेटा को स्टोर करो, है ना, तो 2 नंबर के अंदर डेटा को स्टोर करना है तो आप इजिली स्टोर कर लोगे, प्रोग्राम की हेल्प से उसकी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर दोगे, ठीक। अभी आपसे कह दिया जाए भाई 200 वेरिएबल क्रिएट करो और फिर उनके ऊपर वर्क करो। अब आप सोचोगे यार 200 वेरिएबल क्रिएट करें, कैसे उनको मैनेज करेंगे, नाम उनको कैसे प्रोवाइड करेंगे, उनकी वैल्यूज कैसे यूज करेंगे हम। चलो ठीक है, 200 को कर लेते हैं, सर ने कहा है तो हम 200 को मेंटेन कर लेते हैं, 200 के अंदर सबके नाम दे देते हैं और फिर उनका यूज कर लेंगे। चलो ठीक है, अब उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, 2000 वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, उनके अंदर डेटा स्टोर करना है, फिर फर्दर उनको यूज करना है। अब 2000 वेरिएबल के नाम ही आप सोचते रहोगे कि क्या लिखे हैं, कौन से किसका वेरिएबल दे रहे हैं, वैल्यूज किस तरह से स्टोर कर रहे हैं, एक्सेस कैसे कर रहे हैं, सारी चीज हमारे लिए ट्रिकी हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। इन सारी चीजों को रिप्लेस करने के लिए, जिस इस तरह के ट्रिकी वर्क को रिप्लेस करने के लिए क्या बनाया गया, एरे। एरे आपका रिक्वायरमेंट है, एक नाम प्रोवाइड किया है, अब उसमें दो चाहे वैल्यूज स्टोर करो, 200 वैल्यूज करो, 2000 करो, 2 लाख करो, ये आप पे डिपेंड करता, जितने की रिक्वायरमेंट आपकी आएगी उतने का आप एरे का साइज डिफाइन करोगे और यूज कर लोगे, कहीं कोई डिफिकल्टीज आनी ही नहीं है। मतलब इस तरह की जो पूरी सिनारियो प्रॉब्लम थी उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया एज ए एरे के फॉर्मेट में, तभी एरे को यूज किया जा रहा है। बस उसमें एक चीज ध्यान रखना पड़ता है, एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज आप स्टोर करोगे सिमिलर डेटा टाइप होगी और कंटिन्यूस स्टोरेज किया जा रहा होगा जहां पे भी। अब कंटिन्यूस जो आप नहीं करोगे, ये बाय डिफॉल्ट हमारा कंपाइलर की हेल्प से सिस्टम में हो रहा होगा, वो मेमोरी के अंदर एलोकेट किया जा रहा होगा वैल्यूज, ठीक है, तो और उनको हर एक को इंडेक्सिंग प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें लिखा क्या है ये भी देख लेते हैं, वी कैन यूज अ नॉर्मली वेरिएबल्स लाइक ऐसे दे दिया, वी अ स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बट इफ वी वांट टू स्टोर लार्ज नंबर ऑफ इंस्टेंस, जैसे ही हमें ज्यादा इंस्टेंस की जरूरत होती है, इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज देम विद नॉर्मल वेरिएबल्स, क्योंकि हम नॉर्मल वेरिएबल्स उसको नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम इसका यूज एरे के फॉर्मेट में कर रहे होते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं, अगर किसी को कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना बीच में। अब देखो यहाँ पे मेंशन हो गया हमारे पास कंटेंट क्या, हमारे पास एरे है क्या और हम इसे यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाले कंटेंट को बाद में पढ़ते हैं, इनको देख लेंगे इसमें क्या क्या मेंशन है। एक नीचे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक, इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और जो भी ऊपर मेंशन किया गया वही नीचे भी कंटेंट अवेलेबल है इस डायग्राम के फॉर्मेट में। इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाओ, कॉपी पेन अगर लिखे हो कुछ समझना है तो राइट डाउन कर लेना। सर एक चीज पूछनी थी, पार्डन बेटा, क्या बोला, पूछो सर एक चीज पूछनी थी पूछो। सर, जैसे दो एरेज को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो सर हाँ पूरी एरे तो कंपेयर कर नहीं पाएंगे सर, एक एक एलिमेंट करके ही करना पड़ेगा। हाँ बेटा, नेचुरल सी बात है, बस इतना इतना ही था क्वेरी। हाँ सर यही पूछ रहे थे, एक एरे जैसे हमारी ए है, एक एरे हमारी बी, दोनों में 10-10 एलिमेंट हैं तो सर एक एक एलिमेंट करके दोनों को कंपेयर कराएंगे, मतलब पूरी एक संग अरे तो कंपेयर करा नहीं सकते। कंपेयर, देखो कंपेयर कराने से मतलब समझेंगे, वैसे भी क्योंकि हमारा अभी एरे पढ़ा ही नहीं हो, दूसरे बच्चों ने अगर जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो अगर इसको अगर नोट डाउन कर लो तो मैं लास्ट में भी बता दूंगा, ठीक है। इसमें भी कंपेयर ओके कराने सर में बहुत कुछ बचेगा, ठीक है, हम टॉपिक से भी हट जाएंगे तो बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे यहाँ से। इसी क्वेश्चन को लास्ट में पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से, क्योंकि उसमें काफी कंटेंट है। चलो आप लोग फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एक हमने यहाँ पे देखो डायग्राम दिख रहा है, थोड़ा सा और लार्ज कर देते हैं इसको तो क्लियर कट और अच्छे से दिखेगा, सारे बच्चों को विजिबिलिटी में आ रहा होगा।
यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर वन, ठीक है, नंबर वन है, ये जीरो है, नंबर टू है, नंबर थ्री है, और यहाँ पे ढेर सारे डॉट लगे हुए दिख रहे होंगे। अब आपसे कहा जाए कि 2, 4, 6, 10, 20, 50, 100 जितने का भी आपसे एरे कहा जाता है। तो यहाँ पे एक मैं और कहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे एक इंसर्ट पे जाएंगे और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर देते हैं, ठीक, और यहाँ पे लिख देते हैं जो भी आपको इस एरे का पर्टिकुलर नाम प्रोवाइड करना है, आपने वो एरे का नाम प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है। ये सेंटर मैंने रख दिया, लो एरे का नाम। सारी चीजें समझेंगे इसमें क्या है, जब भी हम एरे क्रिएट करते हैं तो किस कोई एक नाम प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपके सामने अभी अभी मैंने यहाँ पे एक उसमें नाम किया है, तो ये जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं इसके अंदर, ये सारे एक नेम के अंदर स्टोर किए जा रहे होंगे। अब इस नेम के अंदर जब स्टोर किए जाएंगे तो डायरेक्टली तो हम उनको यूज नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है कि हर एक जितनी भी वैल्यूज आप स्टोर करोगे इस नेम के अंदर, एरे वन के अंदर, वो क्या होंगी, उनको हमने बाइफिकेट किया है। बाइफिकेट किससे किया है, इंडेक्सिंग से। जैसे ही आप लिख कहते हो कि हमें 10 का एरे क्रिएट करना है, तो बाय डिफॉल्ट एक हमारे पास एरे बनता है, इस तरह से नाम आपने उसको एरे का दिया ही होगा, तो उस नाम के अंदर एक 10 जो आपने जैसे साइज दिया 10 का, तो एक सीक्वेंस में मेमोरी लोकेट हो गई 10। अगर मान लिया इंटीजर टाइप का दिया था, तो ये सारे नंबर 1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से ढेर सारी 10 जो है मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो गई, और जितनी भी मेमोरी लोकेशन एलोकेट हुई है उनको इंडेक्सिंग दी गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके इंडेक्सिंग कर दिया, ताकि जैसे ही आप एरे की जीरो पोजीशन को एक्सेस करोगे तो नंबर जो यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे जो आप एरे होगा ये नंबर नाम से होगा, इस नंबर को मैं नंबर कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। एरे का नाम यहाँ पे नंबर आ जाएगा, एरे का नाम नंबर आ गया। अब ये जो नंबर यहाँ पे हमें एरे का नाम दिख रहा है, तो इसकी कोई ये जीरो इंडेक्स हो गई, वन इंडेक्स हो गई, टू इंडेक्स हो गई, थ्री इंडेक्स हो गई, और जहां तक का आपने साइज दिया है उतनी इंडेक्सिंग चली जाएगी। जैसे कि अगर आप ऊपर देख रहे हो तो इन्होंने क्या है कि 99, तो फिर 99 का हो सकता है आपने 100 का एरे बनाया हो, 99 का एरे बनाया, तो बाय डिफॉल्ट वो 99 तक इंडेक्सिंग मूव कर जाएगी। लेकिन इसमें कुछ चीजें प्रोटोकॉल आपको याद करने पड़ेंगे। पहला एलिमेंट बाय डिफॉल्ट जीरो इंडेक्स होता है, पहला एलिमेंट बाय डिफॉल्ट जीरो एलिमेंट होता है, और लास्ट में तो आपका बाय हमें पता ही चल जाएगा जो भी होगा वो एन माइनस वन ट्रीट किया है, यानी कि अगर आपने एन नंबर का स्टोर किया है तो माइनस वन ट्रीट किया जाएगा। क्यों माइनस वन ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि वन से एरे स्टार्ट नहीं होता है, जीरो से एरे स्टार्ट होता है, तो एक ऑटोमेटिकली वैल्यूज हमारी रिड्यूस हो जाएगी। तो लास्ट की इंडेक्सिंग जैसे कि आपने 100 देनी थी, तो अगर या 99 देनी है तो 99 माइनस वन ट्रीट की जाएगी, 98 आएगी, लेकिन वैल्यूज इसके अंदर स्टोर होंगी 99। ये ऑलवेज ध्यान में रखिएगा, और इसी को ऑलवेज आपकी जो प्रैक्टिकल करोगे भी वो ऑलवेज ध्यान में रखना, एरे हमारा जीरो से स्टार्ट होता है, इसलिए जो भी वैल्यूज आप इनपुट करोगे माइनस वन तक वो रन करेगी, या फॉर लूप या जो भी आप रन कराओगे तो उसकी कंडीशन माइनस वन ही देना है, ताकि हमारा पूरा लूप तक जाए, लूप के बाहर ना निकले, एरे के बाहर ना जाए इंडेक्सिंग। तो चलो अब इसमें भी देख लेते हैं, जैसे इन्होंने कहा इंडिविजुअल एरे, इंडिविजुअल स्पेसिफिक एलिमेंट इज एक्सेस बाय इंडेक्स। अब यहाँ पे भी जो उन्होंने कहा है कि स्पेसिफिक एलिमेंट इन एन एरे इज एक्सेस बाय इंडेक्स, तो आप इंडेक्स हमारी 0, 1 है, तो इसके ऊपर का एक और हमारे पास जो वैल्यूज स्टोर की जाएंगी यहाँ पे, इसके लिए स्टोर यहाँ पे एक और एरे बना दिया जाए, तो इसमें एक और वैल्यूज होगी, तो इस 0 पे जो वैल्यूज स्टोर होगी आप उसको एक्सेस करोगे, तो इंडेक्स 0 की हेल्प से एक्सेस कर सकते हो। इसी तरह से इंडेक्स 1 की हेल्प से इंडेक्स नंबर जो 1 पे जो वैल्यूज आपने स्टोर की होगी उसको एक्सेस कर सकते हो। तो इसमें हम नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, डिक्लेयरिंग। चलो अब ज्यादा ही बेटर वर्ड है डिक्लेयर, ताकि हम डिक्लेयर करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या वैल्यूज हैं
और कैसे हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दो लाइनें हाइलाइटेड हैं, कॉपी पेन रखे हो तो फिर लिख लो। ये है टाइप, यानी कि इंटीजर फ्लोट डबल किस तरह का आपको एरे डिक्लेयर करना है वो आप बताओगे। साथ ही साथ एरे का नेम, जैसे अभी आप देख रहे थे तो हमने क्या किया था, नंबर प्रोवाइड किया था, वैसे ही यहाँ पे एरे का नेम आप प्रोवाइड करोगे। तो आपको जो भी एरे का नाम बनाना है आप वो एरे बना दोगे। साथ ही साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स आप देख रहोगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ है और ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हुआ है। इसके अंदर एरे का साइज प्रोवाइड कर दोगे, 10, 20, 15, 13, 100, 200, जितना भी आपसे साइज कहा जाएगा या आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आप साइज इस यहाँ पे प्रोवाइड कर दोगे। यानी कि अब आपके इस जो भी आपने एरे का नाम दिया होगा उससे आपका ये एरे पूरा क्रिएटेड हो जाएगा। जैसे कि आप नीचे देख रहे हो तो डबल टाइप का इन्होंने इंटीजर फ्लोट में जैसे होता है वैसे डबल होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है डबल, और डबल टाइप का इन्होंने एक एरे बनाया है जिसका नाम है बैलेंस। और बैलेंस को आपने इन्होंने साइज कितना रखा है, 100, यानी कि इस सॉरी 10 नंबर स्टोर किए जा सकते हैं। यानी कि बैलेंस के अंदर जब भी एंट्री की जाएगी तो 10 तरह की एंट्री की जा सकती है, तो 10 वैल्यूज की आप एंट्री कर सकते हो। तो फिर हम इसमें आगे देखते हैं 10 वैल्यूज कैसे स्टोर होंगी। तो यहाँ पे आ जाते हैं इनिशियलाइजिंग एन एरे, यानी कि एरे के अंदर वैल्यूज कैसे दी जाएगी। डबल बैलेंस 5, अब चाहे 5 रख लो या 10 रख लो, आपको जितनी रखनी है आप वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हो। पहली वैल्यूज साफ साफ दिख रही होगी, कॉमा से मैं थोड़ा सा इसको और अलग सेपरेट कर देता हूँ। ये देखो कॉमा से सेपरेट कर दी गई है, ये हाईलाइट किए, ये कॉमा से सेपरेटेड है। यानी कि आपको जितनी भी वैल्यूज देनी है, अब ये वाला कर्ली ब्रैकेट दिख रहा होगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हो वैल्यूज। एक काम और कर सकते हो, थोड़ा सा कम कर दो, अब ज्यादा बेटर दिख रहा होगा। डबल बैलेंस 5 में आया है, यानी कि हमारा एरे का साइज है 5, इसके अंदर हम 5 वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ है, ऑलवेज ये याद रखिएगा। इक्वल लगा के आप डायरेक्टली भी वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन किससे ज्यादा एक्सीड नहीं होगी, ये वैल्यूज 5 से ज्यादा एक्सीड नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर हमने साइज इसका डिफाइन कर दिया है 5। तो फिर पहली वैल्यूज हो गई ये वाली वैल्यूज आपने स्टोर कर दी, सेकंड वैल्यू ये वाली स्टोर हो गई, थर्ड वाली ये वाली स्टोर हो गई, और सबको हम कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं, फोर्थ ये हो गई, और फिफ्थ में हमने ये वाली वैल्यूज प्रोवाइड कर दी। इंडेक्सिंग क्या होगी, इस यहाँ पे इंडेक्सिंग होगी 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 इंडेक्सिंग पे वैल्यूज होगी। अगर आप नीचे देख रहे हो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इसको भी मैं लार्ज कर देता हूँ, यहाँ पे बैलेंस आ गई। ये जो इंडेक्सिंग अभी हमने प्रीवियस वाली स्लाइड में पढ़ी थी वो इंडेक्सिंग है, यहाँ पे 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, ये इंडेक्सिंग जो भी मैं यहाँ पे बता रहा था। और इसके अंदर स्टोर वैल्यूज क्या है, ये बैलेंस नाम का हमारे पास एरे आ गया, और इसके अंदर 1000 वैल्यूज स्टोर की गई है, 0.0 यानी कि डबल हम आई है। उसके बाद 2.0, ये 2.0 वैल्यूज इनपुट कर दी गई है। उसके बाद 3.0, ये 3.0, 7.0, 50.0, इस तरह से वैल्यूज डायरेक्टली प्रोवाइड कर दी गई है। तो ये जैसे एरे है उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। इतना क्लियर होगा, इसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट, अब मैं इस एक और लाइन को हाईलाइट करने जा रहा हूं, बोल्ड, इससे ज्यादा होगी बढ़ जाएगी। यहां पे देखो एरे का साइज डिफाइन नहीं किया गया है, एक हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि अगर आपको ठीक से ये ना पता हो कि कितनी आपको वैल्यूज स्टोर करनी है अपने एरे के अंदर, तो आप स्टार्टिंग में साइज मत दो, डायरेक्टली वैल्यूज प्रोवाइड करना लग चालू कर दिए। अब आप जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे प्रोवाइड कर दो, 4, 6, 8, 10, 20, 25, 30, 50, कॉमा लगा के आप देते चले जाओ, बाय डिफॉल्ट लास्ट में जितनी वैल्यूज आप छोड़ दोगे वो ऑटोमेटिकली उतने का एरे यहाँ पे क्रिएट कर देगा, बाय डिफॉल्ट क्रिएट करेगा, ये हमें कुछ नहीं करना है ना। तो उतने का एरे क्रिएट कर दिया जाएगा, और जब आप यूज करोगे तो डायरेक्टली आप इसकी वैल्यूज को ऑटोमेटिकली उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि इसको हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं इसकी लेंथ जानने के लिए, कि इसकी लेंथ कितनी है, यानी कि एरे के अंदर वैल्यूज कितनी स्टोर है। इसकी हमारे पास ढेर सारे फंक्शन होते हैं, तो हम इजिली इसके फंक्शन की लेंथ जान सकते हैं कि कितनी वैल्यूज इसके अंदर स्टोर की गई है और उन पे हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो वो भी अभी हम लोग देखेंगे आगे जाके।
इतना क्लियर होगा। यहाँ पे साइज डिफाइन किया गया है, साइज की हेल्प से आप 5 ही वैल्यूज दोगे। यहाँ पे साइज नहीं है तो फिर आप कॉमा लगाओ और जितनी आपको वैल्यूज देनी है आप वो प्रोवाइड कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, अब एक चीज और, ये तो हो गई हमने वैल्यूज प्रोवाइड कर दी। ठीक, अब यही वैल्यूज का एक और पैटर्न है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, फिर से इसको मैं लार्ज करूँ थोड़ा सा, इसको ज्यादा लार्ज कर सकते हैं, हमारे पास है ऑप्शन। बैलेंस हमारा एरे है जिसकी इंडेक्स फोर्थ पे, बैलेंस एरे है जिसकी फोर्थ इंडेक्स पे, आप फोर्थ इंडेक्स है ये वाली, फोर्थ इंडेक्स पे अगर आपको कोई वैल्यूज प्रोवाइड करनी, जैसे कि अभी आप लोगों के बाद में मैं क्या करूंगा कि आपसे कहूंगा कि इसकी इंडेक्स में आप चेंजेस कर दो, तो क्योंकि ये वाली इमेज है तो मैं इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपने ये वाला काम किया होगा तो फोर वाली इंडेक्स पे 60 स्टोर हो जाएगा, यानी कि ओवरराइट कर दिया जाएगा। तो अगर इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है तो आप इस तरह की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर सकते हो, तो डायरेक्टली भी आप वैल्यूज पर्टिकुलर इंडेक्स पे असाइन कर सकते हो। तो एक चार इंडेक्स पे करो या चार छह इंडेक्स पे करो, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे मैं और आगे जाके मॉडिफिकेशन करवाऊंगा, आपसे बोलूंगा, पहले प्रोग्राम दिखा के समझा दूंगा सिंपल, फिर आपको इस वाली इंडेक्स जो आपको दिख रही है फोर, यहाँ पे आई रखना है। ठीक, ऊपर आप अप्लाई कर दोगे फॉर लूप, फॉर लूप जो चलेगा हमारा जीरो से अप्लाई करेगा और कहाँ तक चलेगा, एरे की लेंथ तक। मैं बता दूंगा कैसे एरे की लेंथ फाइंड आउट की जाती है, यूजर से इनपुट लोगे वैल्यूज, उनको स्टोर करोगे और उनको प्रिंट करा पाओगे। एक साथ आपकी रिक्वायरमेंट होगी जितनी चाहे वैल्यूज आप यूजर से इनपुट लो, उतनी आप स्टोर करो फिर प्रिंट करा लो। ठीक है, ज्यादातर हम लोग एरे को जब भी डिक्लेयर करते हैं तो जितना ये पहले से थिंकिंग की जाती है, अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है 5 एलिमेंट्स की तो हम 6 और 7 एलिमेंट का साइज प्रोवाइड करते हैं एरे का। क्यों ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, हो सकता है कभी इंक्रीज कर जाए 1 से 2 वैल्यू, 4 वैल्यू, 6 वैल्यूज, तो हमारा एरे सपोर्ट कर पाए। ऐसा ना हो कि हमें अचानक से 1-2 वैल्यूज इंक्रीज कर दी, अब हमारा वर्किंग नहीं कर पा रही है। इसी एरे के लिए ज्यादातर आप हम आगे जाके और बताएंगे इसमें कि इसी को हम क्या करेंगे, जो आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने थोड़ा सा मैक्रो पढ़ा था, तो मैक्रो को भी हेल्प से हम इसको यूज करेंगे। तो चलो अभी हम सिंपल एक एरे ना कंफ्यूज करके पहले हम ये समझेंगे कि हम इसको कैसे और यूज कर सकते हैं, यानी कि हम इनपुट कैसे लेते हैं और इसकी वैल्यूज को प्रिंट कैसे करा सकते हैं। कंट्रोल सी कर लिया हमने अपना प्रोग्राम और हम चले जाते हैं गूगल पे, गूगल पे जाएंगे, सी ऑनलाइन, ऑनलाइन सी कंपाइलर आ गया, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं तो विजिबिलिटी में अच्छा सा आ जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम बन गया है, रन करा के देखते हैं कोई एरर आ रही है कि नहीं आ रही। नहीं एरर आई है, रन भी कर रहा है वैल्यूज। अब हम इसको समझेंगे क्या किया जा रहा है। इसमें जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो स्पेस मिला हुआ है कि आप स्पेस दो, ये ऐसे एरे रहेगा। जितना हमने पढ़ा है वो सिर्फ इतना सा कंटेंट पढ़ा है, यानी कि ये एरे आपका डिक्लेयर करने का पैटर्न है। इंटीजर टाइप इसका डेटा टाइप है, एन नाम का एरे क्रिएट किया गया है, तो आप मेमोरी के अंदर एक एन नाम का एरे बनेगा जिसके अंदर 10 वेरिएबल का स्पेस स्टोर किया जा रहा होगा, यानी कि 10 इंडेक्सिंग प्रोवाइड की जाएगी। और इंडेक्सिंग का मतलब है कि 10 इंडेक्सिंग पे 10 वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हो। अब इसके बाद है यहाँ पे आई और जे दो नाम के वेरिएबल्स, सॉरी दो वेरिएबल, हाँ दो वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं। आई की वैल्यू 0 से लेके लेस देन 10 है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा था 10 का एरे है, तो मैंने क्या कहा था कहाँ तक चलेगा, माइनस जो भी आपकी इंडेक्स होगी उससे -1 तक। तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर दिया, लेस देन 10। हमें इंडेक्सिंग ऑलवेज ध्यान में, कंडीशन ध्यान में रखना है, अगर हम इक्वल टू 10 कर देंगे तो हमारा एरे जीरो से चलने से हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा, यानी कि आप सर्चिंग ज्यादा कर लोगे और हमारी इंडेक्सिंग है केवल 10।
हम स्टोर करेंगे केवल 10 वैल्यू, तो हमें लेस देन 10 देना है, ताकि क्योंकि आई अगर 0 चलोगे तो फिर हम यहाँ पे आपको इंडेक्सिंग भी दिखाएंगे। ये देखो 10 इंडेक्सिंग, अगर आपको नीचे आउटपुट दिख रहा हो तो 1 से लेके 10 है। अभी मैं 1 से की हटा के 0 भी करके दिखाऊंगा कि 0 कैसे हो रहा है। अब इसके बाद क्या किया जा रहा है, जो हमारे पास एरे आपने लिया है, ये जो अभी एरे था उसकी इंडेक्स पे यानी कि आई पोजीशन यानी कि इंडेक्स 0 की बात की जा रही है। आई में इंडेक्स क्या है अभी, 0। तो इंडेक्स 0 में हम क्या डालेंगे, अरे यार इन एन की आई इंडेक्स में हमारा क्या स्टोर कर देगा, दिस वन आई प्लस 100, यानी कि आई जो भी है वैल्यूज उसमें 100 का इंक्रीमेंट करके स्टोर कर दो। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो आउटपुट में देखो तो आई की एलिमेंट 1 पे 100 डिस्प्ले हो रहा है, तो इसीलिए डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि हमने आई में 100 किया है। अब जैसे ही यहाँ पे आई की वैल्यूज 1 होगी तो यहाँ पे 101 हो जाएगा, फिर 2 होगी तो 102 हो जाएगा, यानी कि इस तरह से इंक्रीज करती चली जाएगी वैल्यूज। ये हो गया पैटर्न एरे को इनिशलाइज करने का, वैल्यूज प्रोवाइड करने का। इसी में आप यहां से क्या कर सकते हो, स्कैनएफ भी चला सकते हो, और स्कैनएफ की हेल्प से भी इनपुट ले सकते हो, यूजर की हेल्प से इनपुट लोगे, इसके अंदर वैल्यूज स्टोर कर दी जाएंगी। अभी मैं आपको यही वैल्यूज जो कर्ली ब्रैकेट दिखाए थे वहां से भी दिखाऊंगा। फिर ये अगर जो वैल्यूज हमने स्टोर कर ली हैं यहाँ पे एरे के अंदर, उनको आप इजिली डिस्प्ले भी करा सकते हो। यहाँ पे फॉर लूप अप्लाई किया गया इस वैल्यूज को डिस्प्ले कराने के लिए, और यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो क्योंकि हमारे पास, अब मैं यहाँ से जे से हटा रहा हूँ आई प्लस 1 एलिमेंट में परसेंटाइल डी दिया है, जे की वैल्यू 0 है तो फिर यहाँ पे 0 आएगा, और परसेंटाइल में इस एन के जे की वैल्यूज को हम प्रिंट करा रहे हैं। तो 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यूज हो वो डिस्प्ले कर दे। दोबारा से इसको अगर हम रन कराएंगे प्रोग्राम को, तो अब आप देखोगे यहाँ से 0 से एलिमेंट से स्टोर हो रहा है। क्यों स्टोर हो रहा है, क्योंकि हमारा एरे 0 से रन करता है, इसलिए जे की भी वैल्यू 0 है। हमें इंडेक्सिंग अगर 1 से दिखानी है कि हमारा भाई वैल्यूज हम कितनी की बात कर, 10 की, अगर हम 10 की बात कर रहे हैं तो फिर हमारा इंडेक्स भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो एक इंक्रीमेंट कर दोगे तो ये यूजर को विजिबिलिटी अच्छी आएगी, ओरिजिनल काम नहीं है ये, यूजर की विजिबिलिटी के लिए होगा कि यहाँ पे वैल्यू 0 ना हो, स्टार्ट होके 1 से स्टार्ट करेगा। अब देखो ये 1 से स्टार्ट कर रहा है, तो हमें बस ये डिपेंड करता है कि हमें याद रखना पड़ेगा कि हमारा एरे ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है, लेस देन 10 है यानी कि 9 तक रन करेगा, तो 9 तक रन करने की कंडीशन में हमें उसकी वैल्यूज को हम प्रिंट भी करा सकते हैं। इतना सबको समझ में आ रहा है, किसी यस सर। को कुछ पूछना है, कुछ ना समझ में आया हो तो? चलो अब हम एक काम और करते हैं, जो अभी हमने इस पे देखी थी अपनी पीपीटी पे कंटेंट यानी कि कर्ली ब्रैकेट की हेल्प से, हम सर इसकी बात, इसमें जे को क्यों प्रिंट करवा रहे हैं? जे को यस सर, आई से भी तो हो जाता है सर। आई से कैसे करोगे बेटा, आई को आपने फॉर लूप से यहां पे इंक्रीमेंट किया है क्या? तो नो सर। फिर हम तो जे को यहां पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना। हाँ ये कह सकते हो कि हमारा यहाँ पे ग्लोबल है, ग्लोबल हम मान लेते हैं, ठीक है हो जाएगा, लेकिन इशू क्या आएगा, क्योंकि हमारा ये वाला लोकल पार्ट था फॉर लूप का, बॉडी है यहाँ पे, बॉडी ओपन हुई है क्लोज हुई है, तो आई का जितना इंक्रीमेंट है वो तो यहाँ पे वाइंड अप हो गया ना, यस सर। ठीक है। और यहाँ पे हमने जे के लिए इसीलिए अलग से चलाया ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब यहाँ यस पे जो जे पे चलाया है तो जे प्लस प्लस करता जाए, कहाँ तक करेगा, जब तक कि 10 ना हो जाए। जैसे ही 10 होगी वैल्यूज वैसे ही हमारी ये कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि लेस देन 10 रहना था, तो हमारी यहाँ पे 10 वैल्यूज डिस्प्ले कर देगा क्योंकि हम 0 से प्रिंट करा रहे हैं। क्लियर है, और किसी कुछ पूछना है? चलो इसी प्रोग्राम को अब हम किस तरह से दिखाएंगे, इस फॉर लूप को रोकते हैं, और हमने जो यहाँ से कंटेंट पढ़े थे यानी कि हमने जो थ्योरी में पढ़ा था कि हम इस तरह से वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर हमारे पास एरे है तो हम डायरेक्टली इस तरह से वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। हम 10 वैल्यूज किस तरह से देंगे,
हमारे पास एरे डिक्लेयर्ड है। अब आपको ये कंपेयर करा लेना, हमारे पास इंटीजर उसके बाद एल्यू कंपेयर है, इक्वल का साइन लगाए और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू देनी है। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर, सॉरी, कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू देनी है, सेमी कोलन अप्लाई कर देना है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपको कितनी वैल्यूज देनी है। तो आपको जो भी वैल्यूज देनी है, जैसे कि 12, 13, 14, 15, 16, देख लेना, 10 के ऊपर ना हो जाए। देखो ये मैंने कॉमा यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है, ये सिंगल वैल्यू की तरह से ट्रीट कर जाएगा अगर हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो, है ना। कॉमा 17, 18, 19, 20। अब सबसे पहले वैल्यूज काउंट कर लें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 21, 20। अगर हमारे पास इतनी वैल्यूज डायरेक्टली इनिशियलाइज हैं तो फिर हम क्या करेंगे, इस फॉर लूप को कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं। सर वहाँ डबल सेमी कोलन लगा है। डबल है, गुड, बता देने के लिए अच्छी, लेकिन उससे चल जाता काम। ट्राई करके देखते क्या एरर आई। देखो कोई भी एरर नहीं आई है और हमारा प्रोग्राम एज इट इज रन किया है। जो भी हमने वैल्यूज प्रोवाइड की थी वो डायरेक्टली यहाँ पे डिस्प्ले कर रही है। क्लियर है, समझ में आया? और यस यहाँ सर। पे क्या कंटेंट है? अच्छा, किसी इन पर्टिकुलर इंडेक्स पे आपको वैल्यूज को चेंज करना है तो भी की उसकी बात की जा रही है। तो आओ एक और काम करके देखते हैं। इतना इनिशियलाइज तो कर ही चुके हैं हम। अब हमें अगर हम यहाँ पे जाएंगे वापस पीपीटी पे, तो इसमें देखो एज इट इज जितना भी चेंज है उसमें कोई चेंज नहीं किया, वह बैलेंस है। तो इस बैलेंस को यहाँ पे डायरेक्टली बैलेंस का नाम दिया, वो इंडेक्स दी गई जिसमें हमें वैल्यूज प्रोवाइड करनी है। तो फिर हम यहाँ पे वापस जाते हैं, एन एन की स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर पहली चीज इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इस 9 में से आपको किसकी वैल्यूज चेंज करनी है, पहले हम करते हैं 0 की वैल्यूज चेंज, और 0 की में हम कर देते हैं 22। ठीक, ओवरराइट करने की कॉन्सेप्ट है। अगर आप इससे भी मैच करा लोगे तो कुछ इसी तरह की वैल्यूज दी गई है। कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे हमने इंटीजर लिया है और वहां पे हमारे पास है दूसरी जगह पे हमारे पास डबल लिया गया है। ये देखो यहाँ पे इंडेक्स 0 पे क्या किया गया है, 22। अभी इसी वैल्यूज को हम इंडेक्स 0 से हटा के 1 पे करते हैं तो फिर हमारे पास 13 की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। रन करा के देखो, इसीलिए मैं 1 बाय 1 रन करा के दिखा रहा हूँ। 13 की वैल्यूज रिप्लेस हो गई 22 से। ठीक, अब इंडेक्स किसमें, जिस पे आप कहोगे, जिसकी भी इंडेक्स यहाँ तक 9 की आप प्रोवाइड कर दोगे, इंडेक्स 9, तो 9 की 21 ऑलरेडी है, तो हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं ताकि अलग से दिखाई दे। ऑनलाइन के प्रोसेसिंग में फंस गया, थोड़ी ज़्यादा मेहनत डाल दी हम लोगों ने उस पर। सर अगर हम लोग वहाँ 10 लिख देते 9 की जगह तो एरर दिखा देते ना। एरे आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा वो, अभी मैंने अभी आपको असल में वो मैनेज करना पढ़ाया नहीं है, है ना, तो वो अभी बता नहीं रहा हूँ। ये देखो 9 पे हमारा क्या है, 222 आ गया। तो एरे धीरे धीरे आगे बताएंगे, तो अभी आ रहे में आपको लेंथ वेंथ फंक्शन सारे बताने हैं कैसे। अभी यहाँ पे आप ये कर रहे हो, अभी हो सकता है कि इंडेक्सिंग ही कमी स्टोर कर दी, 10 का एरे लिया वैल्यू कम, तो मैंने अभी यहाँ पे आप यहीं पे रोक रहा हूँ। यहाँ पे एरे जो अभी आपका है उसकी लेंथ तक फाइंड करना होता है, तो लेंथ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे एरे की लेंथ बता देंगे। तो जैसे ही लेंथ बताएंगे तो भाई रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि 10 तक चलना, जितनी एरे की लेंथ होगी वहां तक चलेगा एरे। क्लियर है, यहीं पे रोक रहे हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम से फिर से पढ़ेंगे। वापस आप लोगों के पास आते हैं। हाँ, अब तुम लोग अपनी क्वेरीज कर लो जो बची हुई थी, और यहीं पे हम इस क्लास को वाइंड अप करते हैं ताकि इतना हम डेटा अपलोड कर देंगे। अटेंडेंस इसके बाद ले लूंगा, आपकी क्वेरीज भी सॉल्व कर दूंगा फिर मैं, इसको वाइंड अप कर दूँ, नहीं तो फिर ये डिटेलिंग सारी स्टोर होती है।